श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। 42 साधना एक बहुत ही गुप्त तरीके का साधना है। इस साधना को गुप्त इसलिए रखा गया था क्योंकि इससे जो प्रभाव मिलता है वो लोगों को विचलित कर सकता है। बहुत सारे उच्च स्तर के साधकों को आपने देखा होगा कि वो अपने कलाई पे ताबीज बांधते हैं। तो क्या होता है वो ताबीज? एक उच्च स्तर का जो साधक है उसको ताबीज की आवश्यकता नहीं होती अपनी सुरक्षा के लिए। वो ताबीज इसलिए बांधता है ताकि एक शक्ति उसके साथ बंधी रहे और वो शक्ति उसका काम करते रहे, छोटा मोटा काम। ठीक है, काम दो प्रकार का होता है, एक तो सटकर्म हुआ या नौकर्म हुआ, ठीक है, जिसमें कि मारन मोहन शांति कर्म आता है, और एक कर्म है कि आपने मन में एक इच्छा रखी कि मेरा ये काम हो जाए और वो हो जाए शक्ति के आशीर्वाद से। 42 साधना करके जो साधक उस ताबीज को अपने हाथ में बांध लेता है उसकी इच्छाएं पूर्ति होने लगती हैं। मतलब इच्छाएं कैसी पूर्ति? जो आपका जीवन चला सके ऐसी इच्छाएं। ऐसी इच्छाएं नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाऊं, है ना। तो 42 साधना के लिए आपको 6 चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या? एक तो जाप के लिए स्फटिक की माला, दूसरा बिल्ली का नाल, ठीक है, ये वनस्पति तंत्र में प्रयोग होता है। उसके बाद सफ़ेद सूती का आसन जिस पर आप बैठेंगे, ठीक है, और दीपक। इसके अलावा आपको चारों दिशा का बंधन करने के लिए 4 मशाल चाहिए होगा। अगर आपके पास मशाल नहीं है, ठीक है, तो मिट्टी का ढक्कन खरीद लेंगे जो घड़े के ऊपर ढकने के लिए आता है, ठीक है, और उसमें कपड़े को तेल में मोड़ के आग लगाएंगे। आग ऐसा लगाएं कि वो मशाल जैसा रोशनी करे, ना कि क्या कहते हैं दीपक जैसा, ठीक है। तो क्या करना है? सबसे पहले किसी दिन रविवार को उठ जाना। अच्छा, ये जो साधना है ना ये पूर्ण रूप से सात्विक होगा। तो 7 दिन तक आप अपने घर का एक ऐसा कोना चुन लें जहां आप अगले 7 दिन तक रह सकें, ठीक है। आपको 7 दिन बिल्कुल ही निराहार रहना है, सिर्फ आप दूध पी सकते हैं, ठीक है। शयन आपको भूमि पर करना है। ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो इसमें अनिवार्य होता है। तो किसी भी नारी से आपको दूर रहना है, भोजन करना नहीं है, सिर्फ दूध पीना है, और जो शयन है जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं उसी कमरे में वहीं पर होगा, ठीक है। तो रविवार के दिन सुबह उठेंगे और पूरब की तरफ मुख करके आसन बिछाएंगे, ठीक है। फिर अपने सामने जो दीपक है उसमें घी डाल करके दीपक प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। एक जलपात्र रखेंगे जिसमें जल रहेगा, ठीक, और थोड़ा सा केसर ले लेंगे। उस केसर का काम है कि आप जहाँ बैठे हैं उसके सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना। एक ध्यान रखने की बात यह है कि जो स्वास्तिक बनाएंगे वो कैसे भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर का मुख बनाएंगे और उसको मध्य में ला के छोड़ देंगे, ठीक है, और उसके बाद क्लॉकवाइज उसको बनाएंगे और हर हाथ जो है वो आके मध्य में मिलेगा, ठीक। इतना बना लेंगे, उसके बाद जो बिल्ली का नीर रखा है ना उसको आप सामने रख लेंगे। तो जो 6 चीज़ों का प्रयोग होना था उसमें आपका आसन का प्रयोग हो गया। बिल्ली का नाल आपको कहाँ रखना था वो आपको पता है। घृत का आपने दीपक जला लिया, ठीक है, सफ़ेद जो सूती थी उसके आसन पर आप बैठ गए, ठीक है। इसके अलावा जो आपने मशाल बनाया है उसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों तरफ जला के रखेंगे, ठीक है। इसको जलाने का प्रयोजन ये है कि इससे बेताल जो होते हैं वो खुश होते हैं। बेताल जब भी चलते हैं उनकी सेना जो है
वो मशाल का जुलूस लेके साथ में चलती है, ठीक है। फिर जो मंत्र मैं दूंगा उसका आपको स्पेटिक पर 100 माला का जाप करना है हर रोज, सिर्फ 7 दिनों तक, ठीक है। इतना करने से आपका जो ये बिल्ली का नाल है वो सिद्ध हो जाता है, ठीक है, और इसमें वैताली जो है वो विराजने लगती है। उसके बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि उस बिल्ली के नीर को लेना है और एक ताबीज़ में उसको डाल लेना है, ठीक है, और ताबीज़ में डालकर दाहिना जो आपका हाथ है उसमें काले धागे के साथ उसको बांध लेना है, और इसको कभी भी अपने शरीर से अलग नहीं होने देना है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कर्म में जा रहे हो, किसी की मृत्यु हो, किसी का जन्म हो, कुछ भी हो, आप इसको अलग नहीं करेंगे अपने से, ठीक है। मंत्र मैं 3 बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। मंत्र के बाद मैं इसके हवन का विधान बताऊंगा। ओम वैताली वैताली इच्छित पदार्थ प्राप्त क्रिम क्रिम ह्रीम हुम फट। ओम वैताली वैताली इच्छित पदार्थ प्राप्ति क्रिम क्रिम ह्रीम हुम फट। फिर से सुनिए। ओम वैताली वैताली इच्छित पदार्थ प्राप्त क्रिम क्रिम ह्रीम हुम फट स्वाहा। अच्छा, अब जब इसका आप हवन करने लगेंगे तो हवन जो है ये किसी हवन कुंड में या फिर क्या कहते हैं किसी समिधा को समेट के नहीं करेंगे। जिस तरीके से मैंने बोला कि ये मशाल तैयार करके जो आप चारों तरफ रखेंगे, जब साधना का अंत होगा तो थोड़ा सा मिश्री और थोड़ा सा लौंग मिला करके आप जो है दशांश हवन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक दिन में हवन संपन्न नहीं हो, इसका हवन आपको धीरे धीरे करना चाहिए। मतलब एक दिन में 27 कर लिया इस तरीके से, और जब भी लगे कि ताबीज़ की शक्ति आपकी कमज़ोर हो रही है तो आपको फिर से यही चीज़ करना है, क्या हवन, लौंग मिश्री लेंगे और 1 माला जो है इस मंत्र का हवन कर देंगे। तो अगर शक्तियाँ कम हो रही हों, आपके कर्म से ही शक्तियाँ इसकी कम होंगी, तो जो शक्तियाँ कम हो रही होंगी वो फिर से इसमें आ जाएगी और फिर से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। इससे क्या नहीं हो सकता है, इसका आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आप किसी और पर कमांड कर ले, वो आप इससे नहीं कर पाएंगे। आपकी इच्छा है कि आप बिना पैसे दिए कोई वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, वो आप इससे नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको अगर इच्छा है कि आपके पास कोई वस्तु आए तो आपके पास पर्याप्त धन हो जाएगा ताकि आप उस वस्तु को प्राप्त कर सकें। आपको अगर किसी सर्कल में, किसी सोसाइटी में बैठने की इच्छा है तो ये हो जाएगा कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि आप उसमें घुस जाइएगा, आप उसमें बैठ जाइएगा उस सोसाइटी में जा करके। किसी का अनिष्ट करने की आप इच्छा करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है अगर ज़्यादा इस पर आप जोर डालें हवन करके तो वो अनिष्ट आपके साथ ही हो जाए। अंतिम विषय, जब किसी इच्छा की पूर्ति हो तो मन में सोच लेने से नहीं होगा। हाथ में जल लेंगे, वैताली को याद करेंगे और संकल्प लेंगे कि मैं 1 माला का जाप अपनी इच्छा इस इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर 1 माला उसी स्फटिक के माला से जाप करेंगे जिस पे आपने वैताली सिद्ध कर रखी है, ठीक है। तो जो भी आपका इच्छा होगा उसकी पूर्ति हो जाएगी। इस तरह की साधनाओं को गुप्त रखा जाता है, और उसके पीछे कारण है कि लोग को अगर कोई अच्छी शक्ति मिल गई तो उसका प्रयोग से ज़्यादा उसके दुरुपयोग के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो मानसिक विकास है वो इस तरीके से हुआ है कि नेगेटिव सोचने का हम लोगों में ज़्यादा क्षमता है, ठीक है। तो इस साधना को करने से पहले ये एकदम मन में ठान लेंगे कि हम ऐसी चीज़ें मांगे कि ये शक्ति जो है वो निम्न ना जाए, ये शक्ति खत्म ना हो जाए, क्योंकि 7 दिन की मेहनत आपकी लगेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो भैरव साधक होते हैं उनकी इच्छाएं ऐसे भी भैरव बाबा की पूजा करके ही पूर्ति हो जाती है, कोई यंत्र मंत्र तंत्र या ताबीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन रांची वाले भैरव बाबा को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की इच्छा पूर्ति करें। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवर
राज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम्।